दुष्कर्म का भांडाफोड़। पुलिस ने एक को मामले में किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के तृप्ति होटल में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर उसकी सहेली द्वारा बहलाकर जबरन होटल ले जाने तथा वहां उपस्थित आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बलिया शहर में कई जगह चल रहे सफेद पोश के संरक्षण में चकला हाउस बलिया में गांवों से चलकर आती हैं औरतें और लड़कियां, लोकल पुलिस सब जानती है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासिनी मां ने गत 28 अगस्त को पुलिस को दी गई तहरीर में यह आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री की शहर के डीपी ज्वेलर्स निवासिनी महिला मित्र कशिश सोनी व क्षेत्र के ही कृष्णनगर निवासी शुभम वर्मा उम्र 25 द्वारा गत 24 अगस्त को बहला फुसलाकर मना करने के बावजूद भी क्षेत्र के ही बहेरी स्थित तृप्ति होटल में ले जाया गया जहां तथा वहां शुभम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद गत 28 अगस्त की देर शाम पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा पॉस्को एक्ट की सुसंगत धारा के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गुरुवार को आरोपी शुभम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली जनपद बलिया में एक नाबालिग जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है उसके दुष्कर्म की सूचना दी गई और तत्काल इसमें रिपोर्ट पंजीकृत FIR पंजीकृत कर ली गई और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ करा लिया गया है। इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, वो पीड़िता का परिचित ही है। उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।